हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुशीनगर जिला के कुछ खास खबरें। तो पहली खबर है कि कार ने तीन को मारी टक्कर, एक की मौत। कुशीनगर जिले में सेवराई थाना क्षेत्र के तमकुही रोड तमकुही राज मार्ग पर एक लग्जरी कार ने सोमवार सुबह तीन राहगीरों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। इसमें एक व्यक्ति को मौके पर ही मौत हो गई, अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ग्रामीणों के सहयोग से व पुलिस के सहयोग से जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सोमवार को सुबह सफ़ेद रंग की गोरखपुर नंबर प्लेट की लग्जरी कार ने देवरिया जनपद का निवासी धीरज पुत्र लल्लन तमकुही रोड की तरफ आ रहा था। धीरज ने गाड़ी चला रहा था और ग्रामीणों के अनुसार वह नशे की हालत में था। तमकुही रोड मार्ग पर वह अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और उसने साइकिल पर सवार बिहार प्रांत के निवासी मनोज पासी उम्र 38 को तरिया सुजान थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनपुरा के समीप ठोकर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद चालक ने कार नहीं रोकी और भागते हुए तमकुही रोड के तरफ आने लगा। सड़क किनारे से पैदल आ रहे बनरहा पूरब पट्टी निवासी बलिस्टर सिंह उम्र 80 वर्ष को टक्कर मारते हुए घायल कर दिया। उसी ग्राम के निवासी अनवर शाह आगे दो पहिए वाहन से जा रहे थे, तभी उन्हें तेज ठोकर मार दिया, जख्मी कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया और सेवरही के बनरहा रेगुलेटर के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारने के कारण जो कार थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं पर ग्रामीणों ने उसे ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब दूसरी खबर यह है कि कलेक्टर पर जन अधिकार पार्टी ने प्रदर्शन किया। जनहित की समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर व विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 16 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला अध्यक्ष बीरेश कुमार ने कहा कि वह केंद्र व प्रदेश के सरकारों के जन विरोधी नीतियों के चलते किसानों के साथ आम परेशानियां हो रही है। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। गन्ने की जो मूल्य का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है। छुट्टी के समय स्कूलों की फीस माफ करने, मिट्टी के तेल का वितरण दोबारा चालू कराने की मांग की। और इस जन अधिकार पार्टी में उपस्थित रहे ओम प्रकाश राजभर, धीरज कश्यप, वीरेंद्र कुशवाहा, जमदार अंसारी, अमन कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 की। तो जिले में कोरोना मरीजों के मिलने के क्रम लगातार जारी है। पिछले चार दिनों में मरीजों के मिलने की संख्या में थोड़ी गिरावट हुई है। 37 नए संक्रमित मरीज मिले। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुशीनगर जिला में 37 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद 5 और नए हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। जिले के कुल कोरोना संक्रमणों की संख्या अब 4460 पहुँच गई है। CMO डॉक्टर नगेंद्र गुप्ता ने बताया कि सोमवार को फाईनगर के 11 कोरोना संक्रमित, हाटा के 10, तमकुही के 5, कसिया व दुधई के 2-2, रामकोला, मोतीचक, निबुआ, नरंगिया व पड़ाना के 1-1 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इनमें अधिकतर को इलाज के लिए होम आइसोलेशन यानी कि घर पर ही रखा गया है। 2 मरीजों की हालत गंभीर पाई गई, जिन्हें जिले के कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर जो कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें गिरावट हो रही है। दोस्तों, तीसरी जो चौथी खबर है, अगली जो खबर है जो भी हो वो है छोटी गंडक नदी से हो रहा है बालू का अवैध खनन। हाटा कोतवाली क्षेत्र के से निकलने वाली छोटी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर बालू अवैध व खनन हो रहे हैं। संबंधित अधिकारी व मूल दर को बने रहे हैं और यहाँ पर जो छोटी गंडक नदी के लालीपार, डुमरी, समारी पट्टी, दुबौली, सिकटियाँ के गढ़ेरी पट्टी, अर्थराहा, मुडिया, हरपुर आदि जगहों पर अवैध बालू खनन किए जा रहे हैं। अवैध बालू खनन की शिकायत आए दिन मिल रही है, इस पर कार्रवाई भी हुई है। इधर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते कार्रवाई धीमी पड़ गई है, बहुत जल्द छापेमारी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर हाटा के SDM प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि बहुत ही जल्द
यहाँ से इसकी जो समस्या है उसको ठीक कर दी जाएगी।